तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर नेक डिजाइन। तो इस डिजाइन को हम डोरी लूप के साथ बना के रेडी करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बुकरम ली है। सबसे पहले इसको बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 8 इंच रखी है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई में 4 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ नेक की गहराई में 4.5 इंच ले रही हूँ, यह आप देख सकते हो। और यहाँ से हम नेक की गुलाई देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में देखिए 1.25 इंच की दूरी से हम एक मार्किंग और करेंगे बिल्कुल इसी गुलाई में। और अब इसमें हम 1 इंच की दूरी से एक मार्किंग और करेंगे जो हमारा डिजाइन बनेगा। तो बिल्कुल इसी गुलाई में हमको 1 इंच की दूरी पे मार्किंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा और ये हमारा नेक है और ये डबल नेक वाला नेक बनेगा। तो एक नेक हम यहाँ नीचे कट करेंगे। तो यहाँ से भी हम 1.25 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाली मार्किंग पे से कटिंग करेंगे और अब यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये लीजिए नेक की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हो। ये हमारे दो नेक हैं और यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा। तो अब हम पेपर पे भी मार्किंग कर लेंगे क्योंकि ये डिजाइन पेपर के ऊपर ही बनाया जाएगा। तो ये मैंने पेपर भी मोड़ के रख लिया है। अब पहले हम इस वाले बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम नेक को रखेंगे जो छोटा वाला नेक है, तो उसके बराबर हम इसे मार्किंग करेंगे। अब हम बीच वाले नेक को रखेंगे जो हमने 1 इंच चौड़ा कट किया है और इसके बराबर हम इसे मार्किंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा जो हमने ये मार्किंग की हुई है इसके बीच में। यहाँ से 1 इंच छोड़ के हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो अब हम इस पेपर को एक साइड में रख देंगे और जो हमारे नेक हैं इनको हम कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले नेक को इस तरीके से रखेंगे और इसको हम प्रेस से चिपका लेंगे। तो ये ऐसे आएगा और इसके ऊपर ये नेक ऐसे आएगा, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे हमारा डिजाइन आएगा। तो छोटे वाले नेक को हम दूसरे कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे प्रेस से, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है प्रेस से। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो इसको भी मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लिया है और इसकी उल्टी साइड में मैंने कैनवास पेपर भी चिपकाया है। अब इस कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसमें हम अंदर वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम बाद में रेडी करेंगे, पहले हम बड़े वाले नेक को रेडी करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको हम अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ से कुर्ती को ऐसे रखेंगे और इसकी सीधी साइड में हम नेक को ऐसे रखेंगे। अब एक सिलाई हम बीच सेंटर में लगाएंगे और अब हम बुकरम के बराबर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से। और अब हम नेक को उल्टी साइड में ऐसे पलट देंगे और इस पे हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल के इसमें तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने इस पे कच्ची सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब ये नेक हमारा रेडी हो गया है सिंपल वाला। तो इसको तो हम एक साइड में रख देंगे और अब हम छोटे वाले नेक को रेडी करेंगे। तो इसको इसके ऊपर ऐसे बराबर से रखेंगे और यहाँ पे हम अंदर वाली साइड में सिलाई लगाएंगे नेक के बराबर में। और यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे और इसमें ऐसे कट लगा देंगे।
और अब इसको भी हम ऐसे पलट लेंगे। और ऐसे पलटने के बाद में देखिए दोनों साइड के कपड़े को हम ऐसे मोड़ेंगे अंदर की साइड। ये देखिए ऐसे हमने पलट लिया है। अब यहाँ से कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और नीचे वाले कपड़े को भी हम ऐसे ही मोड़ेंगे। ये देखिए इसी के बराबर में, और इस पे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने से ये सेट हो जाएगा। तो ये मैंने इस पे प्रेस कर ली है, आप देख सकते हो। तो इसको भी हम एक साइड में रख देंगे और अब हम डिजाइन के लिए कुछ डोरी बनाएंगे। तो ये डोरी बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ये सीधा ही कपड़ा लिया है, क्योंकि हम पतली डोरी नहीं बना रहे हैं, हम आधा इंच चौड़ी डोरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे आधा इंच चौड़ी रखेंगे इसको, और ये सिलाई लगाने के बाद में आप कोई भी चीज़ की मदद से इसको सीधी कर लीजिए। मैं यहाँ पे सुई धागे से कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई झाड़ू की सीक ले सकते हैं या फिर कोई पतली आपके पास तार वगैरह हो तो उससे भी आप इसको सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटी डोरी है। तो ये मैंने इस तरीके से सीधी कर ली है। अब इस पे हम प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने से अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये मैंने इस पे प्रेस कर ली है। अब इसमें से मैं 2.5-3 इंच के पीस कट करूँगी। तो ये लीजिए मैंने इसमें से 2.5-3 इंच के पीस कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे पेपर को जिस पे हमने मार्किंग की हुई है, ये देखिए, और यहाँ पे हम ये लूप अटैच करेंगे। जो हमने ये पट्टी बनाई है, डोरी बनाई है, इसके ये लूप बनाएंगे इस तरीके से मोड़ते हुए, और ऊपर से हम 1 इंच छोड़ के और फिर ये अटैच करेंगे, क्योंकि ऊपर शोल्डर की सिलाई आएगी। तो यहाँ से हम अटैच करना शुरू करेंगे और 1-1 इंच का इनमें गेप रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से हम 1 इंच का गेप रखेंगे, तो ऊपर वाली साइड जो इनकी नोक है वहाँ पर 1/2 इंच का ही गेप रहेगा, क्योंकि ये गुलाई में है। तो इस तरह से हमने ये अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए अब हम दूसरी वाली साइड से भी ऐसे ही लूप अटैच करेंगे। तो दूसरी वाली साइड से हम ऐसे रखेंगे इनके बीच में। ये देखिए, ये देखिए, तो ऐसे बीच बीच में रखते हुए हम इन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड में लूप अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम अपनी कुर्ती को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई आपको फिनिशिंग के साथ में लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद में अंदर वाली साइड से हम 1 पैर का मार्जिन रखते हुए इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। अब इस छोटे वाले नेक को हम इसमें अटैच करेंगे। तो पहले नीचे वाले कपड़े पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर ये नेक पलटते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर इसको पलटेंगे और इस सिलाई को दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो ये हमने छोटा वाला नेक भी इसमें अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम एक डोरी लेंगे। तो ये मैंने डोरी पहले से बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो। तो इस तरह की आपको एक पतली डोरी बनानी है और इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से लूप में डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे डालना है, 1-1 लूप करके हम इस तरीके से डोरी को डालेंगे। 2-2 में एक साथ में डालेंगे तो ये डोरी आगे की तरफ नहीं खींचेगी, इसलिए हम 1-1 में डालेंगे। ये देखिए, और दोनों साइड के लूप में ये डोरी ऐसे हमको डाल देनी है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ से इस डोरी को कट करेंगे और इस तरीके से हमको ये डोरी डाल लेनी है।
तो इसी तरीके से हम ये पूरे नेक में डोरी डाल लेंगे। तो ये मैंने पूरे नेक में डोरी डाल ली है। अब यहाँ पर शोल्डर की सिलाई आएगी तो हमारी डोरी पक्की हो जाएगी दोनों साइड से। तो अब हम नीचे से पेपर को निकाल देंगे। तो ये मैंने इसमें से पेपर को निकाल दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ से हमारे लूप गुम हो गए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरीके से हमने नेक को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो कितना सुंदर और सिंपल हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।